नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट को वेरीफाई करने से संबंधित आ रही समस्या के संबंध में। आप किस प्रकार से अपने रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे या फिर अपने PO के माध्यम से वेरीफाई करवाएंगे, इन सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखें। आपके अगर नॉट वेरीफाई लिखा आ रहा है, ड्राफ्ट ऑप्शन से क्या तात्पर्य है और आपके इन सभी से संबंधित समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपने अगर वार्षिक परीक्षा परिणाम की सभी प्रविष्टियां शाला दर्पण पोर्टल पर कर दी हैं, उसके पश्चात आपने ग्रीन शीट तैयार कर ली है, बच्चों के रोल नंबर फीड कर दिए हैं, इसके अलावा समस्त प्रकार की पूर्तियां आपने कर दी हैं, आपका अंतिम स्टेप आप रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। आप जैसे ही जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, आपके नोट वेरीफाई आ जाता है। NA के बाद में इससे क्या तात्पर्य है, आपका जो रिजल्ट है वो PO से कब वेरीफाई होगा, कैसे वेरीफाई होगा, इन सभी के संबंध में मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूं। अगर आपके नोट वेरीफाई लिखा आता है और आपके प्रिंट में ड्राफ्ट लिखा आता है, अगर आप TC की प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट जो आपके TC है उसमें भी ड्राफ्ट आपको वाटरमार्क दिखाई दे रहा है, तो इनसे क्या तात्पर्य है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर आपको जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा दिखाई दे रहा है, इस्माइल 3.0 मार्कशीट जनरेशन 2021-22, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अब उसमें कुछ पेज हैं, जिस पेज में अब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट दिखाई देंगे। हम पर्टिकुलर इन पॉइंट्स के बारे में ही इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि प्रदर्शित विषयवार अंक व गणना सही है तो वेरीफाई बटन पे हमें क्लिक करना है, जो कि अभी प्रदर्शित नहीं किया गया है, के बटन पर क्लिक कर सत्यापित हमें करना है। इससे तात्पर्य है कि हमें वेरीफाई बटन पे क्लिक करके हमारे रिजल्ट को सत्यापित करना है, जो कि अभी वेरीफाई बटन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। यदि अंकों में बदलाव करना है तो स्माइल असेसमेंट 2021-22 द्वारा अंकों में बदलाव करें तथा पुनः जनरेट रिजल्ट पे हमें क्लिक करना है, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पूर्व के जो भरे हुए अंक हैं वही हमें ग्रीन शीट और रिजल्ट में प्रदर्शित होंगे। ध्यान रहे कि एक बार आप द्वारा अगर वेरीफाई कर दिया गया है तो अब संबंधित विषयों के अंकों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप द्वारा सत्यापित करने पर अंक तालिका का प्रिंट आपको लेना है, जिसमें वाटर मार्क शाला दर्पण प्रदर्शित होगा। ड्राफ्ट वाटर मार्क के साथ प्रदर्शित अंक तालिका केवल गणना के लिए है। इससे तात्पर्य है कि अभी वर्तमान में जब हम अंक तालिका का प्रिंट ले रहे हैं तो उसमें ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में मार्कशीट के वाटर मार्क में हमें ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे सिर्फ गणना के लिए है। अभी हमें ड्राफ्ट वाली मार्कशीट प्रिंट नहीं करनी है। जब वाटर मार्क में शाला दर्पण दिखाई देगा तब ही हमें मार्कशीट का प्रिंट लेना है। और अभी हमारे नोट वेरीफाई लिखा आ रहा है, जब वहां पर वेरीफाई लिखा आएगा तब हमें एक एक बच्चे की मार्कशीट को वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद में हमारे रिजल्ट में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। उससे पहले अगर कोई बदलाव है तो हमें ग्रीन शीट में चेक करते हुए हमारे रिजल्ट में हमें वापस संशोधित नंबर सबमिट कर देना है। उसके बाद में पुनः जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे जो रिजल्ट है उसमें संशोधन किए हुए नंबर हमें दिखाई देंगे। अब इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है, यदि किसी कारण सत्यापन वेरीफाई के बाद भी यदि अंकों में बदलाव करना है तो इससे हेतु संबंधित CBO के लॉगिन पर अनलॉक विकल्प का प्रावधान दिया जाएगा। इससे तात्पर्य है कि साथियों, अगर किसी कारणवश हम वेरीफाई कर देते हैं और उसके बाद में अगर किसी नंबर में बदलाव करना है तो इसके लिए हमें CBO के लॉगिन पर अनलॉक करने का विकल्प दिया जाएगा। हम हमारे संबंधित CBO में हमारे जो भी नंबर हमने लॉक कर दिए हैं उसको अनलॉक वहां से करवा कर पुनः हम नंबर संशोधित करके लॉक करवा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, शो ग्रीन शीट विकल्प द्वारा कक्षावार व विद्यार्थीवार रिकॉर्ड विद्यालय हेतु सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्मेट व प्रिंट कॉपी के रूप में सहेजा जा सकता है अथवा ईमेल द्वारा संबंधित PO नोडल को भेजा जा सकता है। इससे तात्पर्य है कि पूर्व में जब हम ऑफलाइन रजिस्टर संधारित करते थे उसके स्थान पर अभी वर्तमान में जो शो ग्रीन शीट ऑप्शन है, जिससे कि हम ग्रीन शीट जनरेट करके हम विद्यालय में रिकॉर्ड के रूप में PDF फॉर्मेट या फिर प्रिंट कॉपी के रूप में हमारे पास रख सकते हैं या फिर ईमेल के द्वारा हमारे संबंधित नोडल या PO को भी हम भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षावार छात्र वरीयता जनरेट होने तथा तत्पश्चात अंकों में परिवर्तन से यदि वरीयता में भिन्नता आती है तो अंतिम दिनांक को जनरेट की गई वरीयता ही मान्य होगी। इससे तात्पर्य कि अगर छात्रों की वरीयता जनरेट करने के बाद या फिर अंकों में परिवर्तन से अगर कोई वरीयता में भिन्नता आती है तो लास्ट डेट में जनरेट की गई जो वरीयता है वही हमारी मान्य होगी।
साथियों, इन सभी बिंदुओं से मुझे आशा है कि आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। आपके नॉट वेरीफाई NA आपके रिजल्ट को वेरीफाई करने से संबंधित सभी जो भ्रांतियां हैं वो आपकी दूर हो गई होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।